हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज रियलमी ने कर दिया है चाइना में धमाका। रियलमी एक्स टू हो गया है लॉन्च, बहुत बढ़िया स्पेसिफिकेशन, बहुत बढ़िया फीचर्स और बहुत ही बढ़िया प्राइस के साथ। तो रियलमी एक्स टू लॉन्च हुआ है सिर्फ 16,000 में, 6 GB रैम प्लस 64 GB और 8 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज के साथ मिलेगा आपको 19,000 का। तो प्राइस बहुत एग्रेसिव है, बहुत बढ़िया है। मेरे हिसाब से Redmi Note 8 Pro को अब टेंशन लेने वाली बात हो गई है, क्योंकि भाई अभी तक ये इंडिया में नहीं आया। अक्टूबर के एंड में कह रहे हैं अगर Realme X2 इंडिया में अक्टूबर के एंड या नवंबर तक आ गया तो भाई मेरे हिसाब से कोई भी नहीं लेगा ये फ़ोन। मैंने बुक कर लिया है अपना फ़ोन Realme X2 6 GB, क्योंकि मेरे पास 6 GB है तो हम कंपैरिजन कर सकेंगे दोनों फ़ोन्स का। तो मैंने 6 GB वेरियंट लिया है, मुझे कॉस्ट हुआ है 15,000, क्योंकि पहली सेल में 1,000 का डिस्काउंट मिला। तो भाई मैंने फटाफट बुक कर लिया, मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो फीचर्स की बात की जाए, 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ ये फ़ोन आता है, 1080x2340 स्क्रीन रेजोल्यूशन, बहुत बढ़िया इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ ये फ़ोन आएगा। नॉच है इसमें, मेरे को था शायद पॉपअप कैमरा देंगे, मगर नॉच दिया, मगर बहुत प्यारा लग रहा है। स्नैपड्रैगन 730G जो सबसे बढ़िया लगा, और इस प्राइस में अनबिलीवेबल। मुझे था 730G 20-22 हज़ार से ऊपर का होगा रियलमी X2, मगर 16,000 बहुत ज़्यादा वर्थ है। 8 NM का चिपसेट है इस प्रोसेसर में, और बहुत तगड़ा प्रोसेसर है ये। स्नैपड्रैगन 845 से हम कंपेयर करते हैं इस प्रोसेसर को, मुझे बहुत बढ़िया लगा प्राइस और इसका प्रोसेसर। उसके बाद बात करते हैं कैमरे की। तो कैमरा तो कमाल का होता ही है रियलमी का। तो क्वाड कैमरा मिलेगा रियल में, रियर में 64 मेगापिक्सल में मिलेगा आपको सैमसंग GW1 का सेंसर, 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। फ्रंट कैमरा मिलेगा 32 मेगापिक्सल का, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, ऑसम। 15-16 हज़ार के फ़ोन में तो मैं कहूँगा बहुत बढ़िया है। F2.0 एपिचर के साथ इस फ़ोन में नया लॉन्च किया है फीचर UIS, अल्ट्रा इमेज स्टेबलाइजेशन, जो एंटी शेकिंग को ब्लॉक करेगा। तो भाई मैं टेस्ट करना चाहूँगा, देखूँगा कितनी एंटी शेकिंग रुकती है और स्टेबलाइजेशन कितनी बढ़िया है। मोस्टली OIS और EIS तो हमने सुना ही होगा, पर इसमें UIS है। तो भाई फ़ोन बहुत अग्रेसिव है। 4000 mAh की बैटरी मिलेगी इस फ़ोन में आपको, प्लस वूक 30 वॉट का चार्जर। तो आप सोच सकते हैं 16,000 के फ़ोन में 30 वॉट का चार्जर, अभी तक शाओमी ने इतने सस्ते फ़ोन में 27 वॉट का चार्जर नहीं दिया, 18 वॉट का मैक्सिमम दिया है, तो ये 30 वॉट का दे रहे हैं। तो भाई हर चीज़ इस फ़ोन में बहुत बढ़िया है। भाई बहुत बुरा लग रहा है मुझे रेडमी के लिए, क्योंकि मैं शाओमी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मगर इस बार रियलमी ने फिर से शाओमी को गिरा दिया है, क्योंकि इसमें बहुत हीटिंग इश्यू है जब मैं गेम खेलता हूँ। तो भाई मेरे हिसाब से शाओमी की बहुत बड़ी गलती है कि 2 महीने बाद ये इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं इसको। होपफुली रियलमी भी 2 महीने ना लगा दे इंडिया में आते आते, तब तक क्या कोई नया फ़ोन आ जाए, क्योंकि ओप्पो K5 वो भी कह रहे हैं सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा, अगर उसका प्राइस ज़्यादा कैसे हुआ तो भाई आप सोच सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है खास आगे। मेरे पास 27 तारीख को इसकी फाइनल सेल होगी, तो 28-29 तक रियलमी X2 आ जाएगा, उसकी अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा, उसका कंपैरिजन करेंगे, उसका कैमरा रिव्यू दिखाऊंगा, गेमिंग दिखाऊंगा, और देखेंगे क्या कितना बढ़िया है। स्पेसिफिकेशन प्राइस के हिसाब से ऑसम फ़ोन लगा मुझे। तो भाई आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो बढ़िया लगे तो एक लाइक कीजिए, न्यू चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।